अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कारण था उनका सुसाइड करने का? उनका यही मस्त था कि नौकरी ना मिलने के कारण वो उसने ये किया। कितने टाइम लगाई थी उन्होंने वहां से? जिस साल घर से सुबह निकले यहाँ से 9-10 बजे करीब निकले तो खेत पे गए, कुआं पे, अभी कुआं खुदाया है, वहाँ चाचा से मिला, वहाँ घूमते आए, फिर ना जाने वो 11 बजे करीब 11:30 बजे आए। पढ़ाई कहाँ तक की उन्होंने? ग्रेजुएशन था और प्लस में डीएड भी था और 12वीं परसेंटेज भी 80% थी। तो जो आप लोगों ने कितने यहाँ लोग पढ़े लिखे युवा बेरोजगार होंगे? 25 लोग। तो क्या अपेक्षाएं आप लोगों की शासन से? ये फिर से मतलब समय समय से अगर कोई वैकेंसी निकलेगी, कोई इसमें निकलेगा, कोई अलग अलग वैकेंसी निकलेगी, कोई में कोई सिलेक्ट हो जाएगा, कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही में, मतलब युवा लोग बेरोजगार करते, कोई बाहर जाता है, कोई स्ट्राइक भी कर लेता है, कोई मतलब कई कई प्रकार के 100 रुपया 50 रुपया मिलते हैं, क्या खाएंगे? उनको काम कुछ कर होत नहीं है, मजबूरी लतूरी करी होत नहीं है, तो उन्हें कहीं हम नौकरी की पछाड़ रहे पर नौकरी नहीं लगती काम और हम से कह देती काम कुछ का तो उन्हें समझाते। उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें मरना है? जब बहन नहीं तो बोली गई महू में रहते, जब बोली गई कि नौकरी मेरा जीजा तो मैं रह हूँ और नौकरी ना मिले तो मैं ट्रेन तारी बहन। कब बोला? क्या कार्रवाई चल रही है? इसकी जांच जारी है।